ओम शांति नमस्कार आज की कविता में हम ये जानेंगे कि हमारे जीवन की सार्थकता कब है जीवन सार्थक कब बनता है जब हम इस दुनिया को कुछ देकर जाते हैं इस दुनिया के काम आकर जाते हैं और हमारे कर्मों से ही हमें आने वाली पीढ़ी हमें याद करे तभी हमारे जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं इसी संदेश के साथ ये कविता है कविता का शीर्षक है जीवन की सार्थकता कुछ देकर इस दुनिया को जाना है निज धाम कुछ देकर इस दुनिया को जाना है निज धाम मरकर भी अमर हो जाएं करना है ऐसा काम मरकर भी अमर हो जाएं करना है ऐसा काम कर्म अपने देख कर हमें याद करे दुनिया सारी कर्म अपने देख कर हमें याद करे दुनिया सारी राम कृष्ण जैसी संसार में पहचान बने हमारी जीवन का कितना श्रेष्ठ लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं ये हमसे हमें स्वयं को पूछना है कि राम कृष्ण जैसी संसार में पहचान बने हमारी अपनी संस्कृति को भारत की संस्कृति बड़ी विशाल और बड़ी महान है किंतु हमें अपनी संस्कृति को विकारों से बचाना है यही संदेश देते हुए आगे की पंक्तियां अपनी संस्कृति को विकारों से करना है मुक्त अपनी संस्कृति को विकारों से करना है मुक्त सारे संसार को बनाना है सारे संसार को बनाना है एक परिवार संयुक्त यहां वही संदेश फिर से आता है वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का मूल मंत्र है भारत का नारा है सबके सुख दुख को अपना समझकर चलना सबके सुख दुख को अपना समझकर चलना हर किसी के दुख को तुम खुशियों में बदलना हर किसी के दुख को तुम खुशियों में बदलना बस एक यही मकसद बस एक यही मकसद रखो अपने जीवन का बस एक यही मकसद रखो अपने जीवन का खिलता रहे हर फूल खिलता रहे हर फूल इस दुनिया के चमन का खिलता रहे हर फूल इस दुनिया के चमन का एक तुम्हारे होते हुए एक तुम्हारे होते हुए कोई आंख ना रोने पाए एक तुम्हारे होते हुए कोई आंख ना रोने पाए एक तेरे ही कारण एक तेरे ही कारण खुशनुमा जीवन सब जी पाए एक तेरे ही कारण खुशनुमा जीवन सब जी पाए इतनी जिम्मेदारी जब इतनी जिम्मेदारी जब दिल से तुम निभाओगे इतनी जिम्मेदारी जब दिल से तुम निभाओगे अपने ही जीवन को सार्थक कर पाओगे अपने ही जीवन को सार्थक कर पाओगे कविता की अंतिम पंक्तियां श्रेष्ठ कर्मों से अपना नाम अमर कर जाओगे श्रेष्ठ कर्मों से अपना नाम अमर कर जाओगे दुनिया की नजरों में एक मसीहा कहलाओगे दुनिया की नजरों में एक मसीहा कहलाओगे ओम शांति नमस्कार